दोस्तों दिस इज़ उपेश सिंह और अभी मैं हूँ बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा में। और जैसा कि आप कुछ दिन से देख रहे हैं, हम लोग बुरुंडी आए हुए हैं कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कुछ हमारे क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, प्रोटोकॉल दिया, एस्कॉर्ट दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, डिपार्टमेंटल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपके बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, आपको कुछ फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जो आपको वहाँ प्रोटेक्ट करें, हेल्प करें, आप अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड करें। और बुरुंडी एक बहुत ही प्यारी कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है। आपने मुझे देखा होगा सेनेगल, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन जैसी बहुत सारी, इथियोपिया, मॉरिशस, बहुत सारी कंट्रीज़ में, रवांडा। और अभी मैं हूँ बुरुंडी में और ये एक बहुत ही प्यारी कंट्री है जहाँ ना केवल आप अपने बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट में। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, माइनिंग अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है कुछ सेगमेंट में, और मिनरल्स के एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, मेयोनीज, पास्ता, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इनकी यहाँ बहुत डिमांड है। ये सारे प्रोडक्ट ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा से 15 किलोमीटर पर ही, 15 से 17 किलोमीटर मानिए, इतने में ही कोंगो का बॉर्डर लगा हुआ है। और कोंगो एक बहुत ही पॉपुलेशन वाली कंट्री है, आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगाकर इजीली अपने प्रोडक्ट कोंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तंजानिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रवांडा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिन्होंने स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भी बनाया है, और आपको सरप्राइज होगा, इन्होंने बुजुम्बरा के पास कोंगो बॉर्डर और बुजुम्बरा के बॉर्डर पर ही इकोनॉमिकल जोन बनाया है, जिससे आप अगर यहाँ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री यूनिट लगाते हैं तो ईजीली आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोंगो जैसी कंट्री में, जो कि अफ्रीका का बहुत ही पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आप बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। और मेरा डीपली वीडियो आता है इंटरनेशनल बिज़नेस सीरीज़ में हर कंट्री के बारे में, उसमें बुरुंडी का वीडियो देखेगा, रवांडा की वीडियो देखेगा, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तरह बताया है कौन कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस तरह की माइनिंग में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। 2022 को एक ऐसा ईयर बनाइए जहां आप जो चाहें वो कर सकें। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सक्सेस इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आर सेल्फ, टू आर फैमिली। 30% रूल के साथ बिजनेस स्टार्ट करें, अब्रॉड में लगाई हुई यूनिट मिनिमम 30% का प्रॉफिट देती है। जब हम आपके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जिनमें आपकी मोनोपोली की यूनिट स्टार्ट होती है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ ये लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्जिन है। तो चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, माइनिंग करो, पीपीपी मॉडल पे करो। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है इन्वेस्टमेंट एजेंसी के डायरेक्टर से और पीपीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से, और बताते रहेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपका वेट कर रही है, किस सेगमेंट में आप गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी बहुत बड़ा स्कोप है, तो करिए आपके बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू, सी यू सून फ्रेंड्स।